अब पहले ही इन सामने वाले पोरों ने मेरे डूंगन पे लगा रखी है आग। उतने पीछे से आ जाती है एक गाड़ी। गाड़ी कुछ चलो 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 नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाजड़ों में। और भाई क्या मेरे को उतरते ही यहाँ पे कोई बंदूक मिलेगी? तो हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन भाई कौन सी मिलेगी ये सवाल ज़्यादा जरूरी है। मोसिन M24 और SLR, भाई यहाँ पे स्नाइपर राइफल के अलावा कोई भी बंदूक नहीं है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फटाक से नीचे और यहाँ पे फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को मिल जाती है यहाँ पे एक UMP। तो ये UMP लेके मैं जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे ऊपर पे होता है एक पोरिया। और अब तुम ये हरकत देखो भाई, साले निर्लज्ज पोरे, तूने मेरे को सिर्फ डैमेज दिया है, नॉक नहीं किया है। ये निर्लज्ज पोरा मेरे आंखों के सामने मेरी ही किल चोरी कर रहा है। साले पहले मेरे को नॉक तो कर ले, फिर उसके बाद मेरी किल चोरी करना? नहीं, इसको पहले किल चोरी करनी है। तो करना क्या था, बढ़ता हूँ मैं इस पोरे को भी खोखड़े के अंदर और बढ़ता हूँ आगे। अब हीलिंग करने के बाद मैं आता हूँ फिर से ऊपर और यहाँ पे मेरे को नीचे से आते हैं फुटस्टेप। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और खोखड़े के अंदर भी पैक कर ही दूंगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग पे, यहाँ पे हो रखी थी हाना मारा और मेरे को एक नॉक पूरा दिखता है। अभी चुराए भाई एक किल, लेकिन यहाँ पे अभी भी हाना मारा हो रही है। और ये पकड़ लिया भाई इस पूरे को भी और करता हूँ इस पर खोखड़े के अंदर पैक और इसी के साथ होते हैं अपने 5 किल। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मार्केट वाले साइड पे और यहाँ पे एक पोरा होता है और ये हवा में कूदी मारता है। और ये कर ही दिया इस पोरे को नॉक। अब मैं जाता हूँ इस पोरे को फिनिश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सामने पे एक पोरा होता है, लेकिन भाई इस पोरे ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे मैंने जिस पोरे को नॉक किया था यहाँ पे उसका एक और टीममेट होता है और ये जो पोरा सामने था इसने उसको नॉक कर दिया। तो मैं वो किल भी चोरी कर लेता हूँ और अपनी किल भी अपने को मिल जाती और इसके साथ होते हैं अपने 8 किल्स। उसके बाद भाई सामने इस कासल के बालकनी में होते हैं 3-3 पोरे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कवर के पीछे और फेंकता हूँ इन पोरों के ऊपर गोला बारूद। अब भाई इन पोरों के पास भी होता है गोला बारूद और ये यहाँ पे फेंकते और भाई ये ग्रेनेड तो बिल्कुल मेरे मुंह पे फटता है। तो मैं भागता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे करता हूँ हीलिंग और उसके बाद मैं और मेरा टीममेट कर देते हैं इन पोरों के ऊपर रश। अब यहाँ पे इन तीनों पोरों में से एक पोरा नीचे पे घूम रहा होता है, लेकिन भाई हम दोनों को देख के ये पोरे अपने डूंगन को पाए लगा के ऊपर भाग जाता है। तो मैं देता हूँ यहाँ पे एक ग्रेनेड और फेंकता हूँ ऊपर पे इस उम्मीद में कि एक पोरा नॉक हो जाएगा, लेकिन भाई जो गड़बड़ होती है। भाई यहाँ पे मेरे ग्रेनेड से मेरा ही टीममेट नॉक हो गया और इन पोरों ने मेरे टीममेट को खोखड़े के अंदर पैक भी कर डाला भाई। और यहाँ पे कर दिया एक पोरे को नॉक और ये पकड़ लिया भाई दूसरे को। अब मैं यहाँ पे फेंकता हूँ एक नचबली वाला ग्रेनेड ताकि अगर यहाँ पे कोई और भी होगा तो नाचने लगेगा, लेकिन भाई यहाँ पे जो गड़बड़ होगी। अंधेरी रात में बंदूक मेरे बुंड में, भाई यहाँ पे मेरे को भी नहीं उमजा कि यहाँ पे नॉक प्लेयर के पीछे एक जिंदा पोरा बैठ रखा है और इस पोरे ने भाई मेरे पीछे चिपका दी उजी। तो यहाँ पे 9 किल के साथ अपना काम खत्म हो गया। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे और यहाँ पे मैं अपने टीममेट के साथ उड़ती चढ़े पे घूम रहा होता हूँ और यहाँ कासल के पास होता है एक पोरिया। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और अपना टीममेट भरता है इस पोरे को खोखड़े के अंदर। अब उसके बाद भाई हम जाते हैं रिकॉल पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गोली चल रही होती है
और भाई ये देखो यहाँ पे पैरट से भी पोरे नीचे आ रही, तो मैं लाता हूँ अपनी चटाई और रोकता हूँ इस घर के कौदारू पे। अब भाई यहाँ पे एक पोरे को तो खोखड़े के अंदर पूरा पैक कर दिया, लेकिन पता नहीं भाई पीछे का बे इसकी मियां का एक कैम्बर बैठ रखा था और इस पोरे ने भी भाई मेरे पीछे उजी ही डाल दी। और अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई तेरे पास पास तेरा एक टीममेट है तो वो तेरे को रिकॉल कर देगा, अगर इससे नहीं हुआ तो तेरा एक और टीममेट जिंदा है वो कर देगा। अरे मेरी लॉलीपॉप चूस लो रिकॉल, मेरे पास जो मेरा टीममेट होता है वो भी यहाँ पे पचक जाता है और जो पोरा पोचिंग में घूम रहा था वो भी यहाँ पे पचक गया भाई, तो रिकॉल तो अपने को कुछ मिलता है। तो छोड़ो उस मैच को, 11 किल के साथ वहाँ पे मामला खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगली मैच की तरफ। अब इस मैच में भी भाई मेरे को ऊपर पे कोई बंदूक मिलती नहीं, तो मैं आता हूँ नीचे बंदूक लेने को और ये बंदूक लेके मैं जाता हूँ ऊपर पोरे मारने के लिए। अब यहाँ पे सामने पे एक पोरे आए। अब भाई यहाँ पे होता है एक जिंदा पोरा और एक नॉक पोरा, तो मैं करता हूँ दोनों पोरों को खोखड़े के अंदर पैक और यहाँ पे मिल जाते हैं अपने को 2 किल। अब उसके बाद भाई यहाँ पे सामने वाले घर में एक पोरा घूम रहा होता है, मैं यहाँ पे अंदर पे एक मॉली फेंकता हूँ, लेकिन भाई ये पोरा नीचे भाग जाता है। और अब इस पोरे को देखो भाई कि इसने कैंपिंग कहाँ पे लगा रखी है। अच्छा हो भाई कि मेरे को यहाँ पे इसकी आवाज़ आ गई थी, इसलिए मेरे को पता चल गया कि इसने यहाँ पे कैंपिंग लगा रखी है। तो मैं करता हूँ इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक और आता हूँ इस घर के ऊपर वाले मजले पे। उतने मेरे को नीचे से आते है फुटस्टेप। पता नहीं भाई ये पोरा कहाँ पे भाग रहा होता है। मैं करता हूँ इसको नॉक और जाता हूँ इस बिंती के पीछे और करता हूँ इसको कुकड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद भाई यहाँ पे सामने पे बहुत सारी हान हमारा चल रही होती है, तो मैं आता हूँ देखने के लिए और ये रहा पोरा और ये कर दिया भाई इस पोरे को भी कुकड़े के अंदर पैक और इसके साथ हो गए अपने 5 किल्स। अब उसके बाद भाई मैं आता हूँ वापस उसी घर के बालकनी में और यहाँ पे सामने पे इस घर के अंदर 3 पोरे और मेरे को खिड़की के अंदर दिखता है एक पोरा। अब ये देता हूँ भाई मैं इस पोरे को नॉक और जाता हूँ फटाक से इन पोरे के ऊपर रश करने के लिए। अब मैं यहाँ पे नीचे से फेंक देता हूँ ऊपर पे एक ग्रेनेड ताकि कोई नॉक हो जाए, लेकिन भाई कोई नॉक होता नहीं तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे रश। ये पकड़ लिया भाई एक को, लेकिन यहाँ पे ऊपर पे और 2 पोरे। और भाई इसी के साथ कर दिया तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 1v3 क्लच। बरताओ इन तीनों पोरों को खोखड़े के अंदर और इसी के साथ हो गए अपने 8 किल्स। अब इसके बाद भाई एरिया में मेरे अलावा यहाँ पे और 2 पोरे जिंदा होते तो मैं बनाता हूँ पोर्टल यहाँ पे इस बोट के टोपे पे और यहाँ से मैं पोरे शोध रहा होता हूँ। उतने भाई इस बेशरम को देखो। नहीं भाई यही है यहाँ का बापू, ये जगह इसके बापू की है, इसको कोई हाथ नहीं लगाने वाला। इसको मालूम है कि एरिया में और 2 पोरे जिंदा है, फिर भी ये सेंटर में आता है और यहाँ पे जीनी बुलाता है। तो करता हूँ मैं इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक, लेकिन भाई यहाँ पे एक और पोरा जिंदा है, तो मैं ये देखता हूँ पूरी वाट इस पोरे की, लेकिन भाई ये पोरा तो कुछ दिखता नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे हो जाता है भाई अंधेरा, मैं जाता हूँ सेंटर में, लूट दबाता हूँ अपने खिच्चे में और उसके बाद जाता हूँ नीचे। अब यहाँ पे मेरे को फेंक दिया जाता है भाई गटका में, तो मैं यहाँ पे उतर रहा होता हूँ इन घरों के पास, लेकिन उतने भाई मेरे को दिखता है एक पोरा नीचे भागते हुए। चलो गाड़ी अब भाई तुम्हारी तरह मेरे को भी यहाँ पे प्रश्न पड़ा था कि ये पोरा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बाद में मेरे को पता चला भाई कि ये पोरा यहाँ पे ढूंढ रहा होता है खजीना, ये यहाँ पे कर रहा होता है जमीन पे खोद काम और यहाँ से निकाल रहा होता है पेटी अपने दफ्तर में भरने के लिए। लेकिन मैं ही कर देता हूँ इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक। उसके बाद भाई वहाँ से 1-2 बॉट मार के मैं आता हूँ यहाँ पे पोचिंग की में, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे के सारे टीममेट होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे आ रहा होता है जोन, तो मैं अपने टीममेट्स के साथ तैयारी करता हूँ यहाँ से निकलने की। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे नीचे कूदी मार के, बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई उतने में आ जाती है यहाँ पे एक गाड़ी। अब यहाँ पे भाई इस गाड़ी के अंदर आते हैं 2 पोरे, ये दोनों पोरे घुसा देते हैं गाड़ी बिल्कुल मेरे टीममेटों के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं साइड से कर देता हूँ इन दोनों पोरों को नॉक और इसके साथ हो जाते भाई अपने 14 किल।
और देखो भाई 14 किल और अभी भी 40 पूरे जिंदा है। 20 प्लस किल, अरे इजी, आंख बंद करके 20 प्लस किल्स हो जाएंगे। ये सोच के मैं जाता हूँ स्कूल के पास पूरे शोधने के लिए। और यहाँ पे भाई स्कूल के मेन बिल्डिंग पे होते हैं पूरे। अब यहाँ पे भाई स्कूल पे बैठ रखा है एक पोरा और ये चला रहा है M24। और भाई जो जहर M24 चला रहा है ना, ये देखो उतार दिया भाई मेरे टीममेट को चालू बग्गी में। इस पोरे ने M24 से उतार दिया और पूरा फिनिश भी कर दिया। तो मैं रोकता हूँ भाई गाड़ी यहाँ पे और जाता हूँ इस पोरे को देखने के लिए। शुभंकर कोई रे मानुष से गाड़ी देखे ना मो भाई दीजिए नहीं शुभंकर अरे फोतरे गोली हमको भी चलाते आती है। इसको लगता है कि इसने चालू गाड़ी में एक पोरा उतार दिया तो ये इधर का बापू है। साले गोली हमको भी चलाते आती है। और देख रहे हो भाई 250 मीटर्स पे इस पोरे को M4 से नॉक कर दिया। अब यहाँ पे भाई इसका एक और टीममेट होता है तो मैं उसको देख रहा होता हूँ, लेकिन भाई पीछे से पोरे आ गई। अब ये पकड़ लिया भाई एक को। लेकिन भाई इन्होंने भी पकड़ लिया मेरे एक टीममेट को और कर दिया पूरा कोकड़े के अंदर पैक। अब ये पोरे बैठ रखे यहाँ पे इस सामने गाड़ी के पीछे, तो मैं यहाँ पे फेंकता हूँ एक ग्रेनेड। लेकिन भाई इस ग्रेनेड से कुछ होता नहीं, तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा साइड में कवर के पीछे और मेरे को कुछ दिखता है। ये तो होता है वो पोरे जिसको मैंने नॉक किया था, तो इसको कोकड़े के अंदर मैंने पैक कर दिया। लेकिन भाई उतने में पीछे से पता नहीं भाई ये पीछे से पूरा खासे आता है बिल्कुल दबे पाओ, मेरे को पहले VSS चिपकाता है, उसके बाद मैं कवर में आता हूँ। लेकिन भाई इस पूरे मेरे को UMP चिपका दी। ओ गासे मत दुबा दो गासे नंबर नंबर। अब भाई मैं अपने टीममेट को बोल रहा होता कि भाई इस पेड़ के पीछे पोरा है, इस पेड़ के पीछे पोरा है। लेकिन मेरा बेवड़ा टीममेट पता नहीं क्या ही करता है, आके मेरे को रिवाइव देने लग गया और ये पोरा चिपका देता है भाई मेरे टीममेट को भी। तो भाई 20 किल तो दूर ही रहे, यहाँ पे 16 किल के साथ अपना मामला हो गया यहाँ पे खत्म। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।